आदित्य क्या कहती है ये फिल्म? ये 1984 के दंगों के बैकग्राउंड पे है। तो उसमें जो गदर हुआ था, लोगों का माइग्रेशन इधर से उधर, और जो भी तबाही हुई थी, तो उसमें एक लड़की की एक खूबसूरत कहानी। ये बहुत डिफरेंट है व्हाट आदित्य हैज ऑफर्ड यू। सो वाज इट अ चैलेंज उससे पहले, मतलब इस रोल के लिए? यू नो, ऐसे चांस बहुत कम मिलते हैं इन बॉलीवुड वेयर यू हैव टू प्ले लाइक रियल कैरेक्टर, यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म। आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है, और इस वक्त हम आपसे किसी को मिलवाने वाले हैं, और एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई खो गया है। अब क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है कहीं लूज ना हो जाए, तो जो खो गया है उससे भी मिलवा देते हैं, जिन्होंने खोने में मदद की है या फिर ढूंढने में, उनसे भी मिलवा देते हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म द लॉस्ट गर्ल की। हमारे साथ है डायरेक्टर आदित्य रानौलिया, और हमारे साथ है प्राची बंसल, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इस फिल्म की, और जो कहीं खो गई हैं फिर मिल गई थी, ये भी इंश्योर कर लेते हैं। आदित्य आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राची, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू। तो सबसे पहले आदित्य, आपने ज़बरदस्त अब तक जो बॉलीवुड में काम किया, आपको बता दें कि रिनाउंड सेट डिज़ाइनर हैं आदित्य। आप बाजीराव मस्तानी की बात करें, आप दंगल की बात करें, आप जीरो की बात करें किंग खान की, या फिर हैप्पी न्यू ईयर पठान जैसी फिल्मों की, सेट डिज़ाइनिंग का जो जादू आपने देखा है, आदित्य रानौलिया जो है वो नाम है उसके पीछे। और अब इसलिए ये फिल्म अगर आप देखने वाले हैं तो इसमें कितनी खूबसूरती दिखने वाली है, कितनी जो परफेक्शन है वो दिखने वाली है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। प्राची को इससे पहले हमने देखा है दिव्य अवतारों में श्रीमद रामायण, या फिर शिव शक्ति, तप, त्याग, तांडव, इन जो सीरियल्स हैं इनमें आप पहले प्राची का काम देख चुके हैं, फिल्म में वो पहली बार दिखाई देने वाली हैं। आदित्य क्या कहती है ये फिल्म? क्योंकि जो नाम है वो अपने आप में काफ़ी खींचता हुआ लगता है, द लॉस्ट गर्ल। देखिए, सबसे पहले आज तक स्टूडियो का धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू। देखिए, आपने सही कहा कि इस नाम में, द लॉस्ट गर्ल में काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये एक ऐसा कैची नेम है जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है, और कहानी भी ठीक वैसे ही है, उसी तरह से। ये 1984 के दंगों के बैकग्राउंड पे है। तो उसमें जो गदर हुआ था, लोगों का माइग्रेशन इधर से उधर, और जो भी तबाही हुई थी, तो उसमें एक लड़की की एक खूबसूरत कहानी है द लॉस्ट गर्ल। उसमें वो गुम हो जाती है, और उसकी मैंने एक जर्नी दिखाई है कि गुम होने के बाद जब वो अकेली रह जाती है तो इस दुनिया को अपने आप से कैसे बचाती है, और इस समाज के लिए क्या मैसेज लेके आती है, किस तरह से समाज को इंस्पायर करती है। सो बेसिकली ये इस फिल्म की एक बैकग्राउंड है। ब्यूटीफुल। प्राची, कमिंग टू यू, अभी तक आप जिस तरीके के रोल्स करती आ रही हैं, डिलीवर करती आ रही हैं, ये बहुत डिफरेंट है व्हाट आदित्य हैज ऑफर्ड यू। सो वॉज इट अ चैलेंज उससे पहले, मतलब इस रोल के लिए? क्योंकि ऐसे जितने भी रोल रहे हैं इससे पहले, अगर आप देखिए कई फिल्म्स बनी हैं ऐसे बैकग्राउंड पर, दे डिमांड अ लॉट फ्रॉम एन एक्टर, दे आर वेरी डीप एंड दे कैरी एक अनसेट टैग है पेन का। हाउ इट वॉज फॉर यू? यू आर राइट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक एज एन एक्टर Every project is like a journey for me, so I try to live. तो जब आदित्य ने आपको ये role सबसे पहले offer किया, how it was? तो I was excited somehow, क्योंकि एक तो I was excited for film, I was excited for my first film, और ऊपर से सर ने जब मुझे story बताई तो you know, ऐसे chance बहुत कम मिलते हैं in Bollywood where you have to play like रियल कैरेक्टर, यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म। और मुझे लगता है ऐसे चांस इसलिए भी बहुत कम मिलते हैं क्योंकि आपकी पहली फिल्म इतनी डीप, इतनी मीनिंग, आपको मतलब एक आपको कोई भी एक चुलबुली लड़की और ये सब बना कर लॉन्च कर सकता है, लेकिन जिसमें आपको वाकई एनैक्ट करने का मौका मिले ऐसी फिल्में बहुत कम। लाइक विद इज नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं था, एकदम रॉ कॉस्ट्यूम्स, रॉ लोकेशंस, तो सिर्फ मेरे को एक मौका मिला वेयर आई कैन शो माय परफॉर्मेंस जो मेरे अंदर बचपन से भरा हुआ था। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। आदित्य, ये आपको ये लगा क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड में हम पहले कई फिल्में देख चुके हैं, लिहाजा जब आप लेकर के आते हैं ऐसी कहानी, हालांकि ट्रीटमेंट हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो मेहनत उस तरीके से अलग रहती है, लेकिन उसे अलग दिखाना थोड़ा एक चैलेंज होता है कि लोग, क्योंकि एक सबसे बड़ा है कि कनेक्टिविटी ऐसे सब्जेक्ट के साथ, लोग बहुत मूव्ड फील करें, उनका दिल जो है एकदम बाहर आ जाए
ये बंटवारे के जुड़े हुए सब्जेक्ट्स देखकर और कहानी देखकर जी इसमें मेरा मकसद यही था कि मैं इसमें थोड़ा अलग दिखाऊंगा, क्योंकि जनरली दंगे बंटवारा या पार्टीशन हम फिल्मों में आपने भी बहुत देखा है, दर्शकों ने बहुत देखा है, तो मैं इस फिल्म के माध्यम से कुछ नया दर्शकों को दिखाना चाहता था कि जब गदर फैलता है, दंगे फैलते हैं, तो जो लाइफ इम्पैक्ट होती है उनके बारे में क्या किसी ने सोचा? हम जनरली एक रायट से उसको जोड़ देते हैं और बस वो कैसे हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था, क्यों हुआ, जनरली इस चीज़ इसके पीछे हम लोग घूमते रहते हैं। बट मैंने ये जो सब्जेक्ट चुना, मैंने इसका ट्रीटमेंट थोड़ा दूसरे तरीके से किया और उससे इम्पैक्टफुल जो लाइफ है मैंने उसको एकदम रियलिटी से और बड़ा मतलब सिनेमैटिक ढंग से ऑथेंटिक बनाकर उसको दिखाया था। अपने फुल ऑन एंटरटेनमेंट या फिर कह सकते हैं कि जो कमर्शियली बड़ी वायबल फिल्म्स हैं उनके सेट डिजाइन करे हैं। आप खुद इतनी डीप जो है सब्जेक्ट के साथ कैसे फिल्म बनाने की तरफ आ गए, मतलब ये जो जर्नी है सेट डिजाइनिंग से फिर डायरेक्शन की तरफ, ये कैसे और कहाँ से शुरू हुई? जी देखो, ये मैं कहूँगा कि ये जो पैशन है या वो जो इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री का, वहीं से शुरू होता है। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको उस बड़े कैनवास पे बहुत कुछ देखने को मिलता है और काम के दौरान आप बहुत कुछ देख लेते हो, लेकिन आपके अंदर भी एक सिनेमा की झलक होती है, सिनेमा बनाने की। तो मैं वहाँ से, मैं कहूँगा कि सिनेमा की शुरुआत मेरी वहाँ से हुई और सीखने का काम वहाँ से हुआ, और फिर मैं अपना सब्जेक्ट लेकर आया और वो चीज़ मैंने उसके अंदर, जो मैंने काम किया वो चीज़ मैंने उसके अंदर डाली। प्राची, कैसे आपका जो रोल है ये डिफरेंट होने वाला है, जो चैलेंजेस साथ में रहते हैं क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, तो एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, भले ही आर्टिस्ट कितना बेहतरीन हो, अच्छा हो, इंडस्ट्री में जो एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के चैलेंजेस हैं वो भी बताइए क्या है? मैं किसी बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ, आई थिंक ये चैलेंजेस बढ़ा देता है। या डेफिनेटली, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स, कनेक्ट्स, ये सब मैटर करते हैं, बिकॉज आपको एक पुश मिल जाता है जिसकी वजह से यू रीच सही जगह पे जल्दी, लाइक इजीली अप्रोचेबल हो जाते हैं लोग। बट डेफिनेटली न्यू कमर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है एंड बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है मेरी, बट ऑल थैंक्स टू आदित्य सर, ही सॉ समथिंग इन मी मे बी। अच्छा, ये हमने देखा क्योंकि अभी तक हमने बड़े जो ऐसे माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड या थोड़ा धार्मिक आपने जो किरदार है वो ज़्यादा किए हैं। इधर मैंने देखा कि बहुत बेहतरीन एक्टर्स जो हैं उन जिन्होंने ये रोल्स करे हैं, जैसे मैं सोनालिका है, मोहित है, अच्छे एक्टर्स मैं उनको मानती हूँ, लेकिन जब आप इस तरीके के किरदार करते हैं तो लोगों का एक फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है और फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है शिफ्ट करना। आई थिंक अब जनरेशन चेंज हो गई है, लाइक पहले येस आई गेस कहीं ना कहीं ये था, बट अभी पीपल हैव चेंज्ड, उनकी मैंटेलिटी, उनका अप्रोच चेंज हो चुका है। लाइक अगर आप अभी की रामायण भी देखोगे तो हम जितने भी लाइक एक्टर्स हैं, आप जितने भी कास्ट जो भी देखोगे, मतलब बहुत रिलेटेबल और अभी जनरेशन से रिलेटेबल लगेगा आपको। एंड यू थिंक इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर लोग उनको किन्हीं दूसरे रोल्स में कुछ और करते हुए? आई गेस यस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, आदित्य आप बताइए लोगों को कि क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म, क्यों मिस नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये मैं दर्शकों को बता दूं कि 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में आ रही है, देश भर के सिनेमाघरों में। और जैसे कि आपने पूछा कि द लॉस्ट गर्ल को ही क्यों देखना चाहिए, ऐसा क्या है, तो मैं कहूँगा कि इसमें सब चीज़ें हैं, इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें ड्रामा है और इसके अंदर इमोशन है। ये फिल्म मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके दिल को छू जाएगी, मतलब जो जिस इमोशन को मैंने कैप्चर किया है, लोगों की भावनाओं से जोड़ा है, ये ठीक उसी तरह की फिल्म है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ सिंपैथी और लोगों की इमोशन से जुड़ी हुई फिल्म है। तो दर्शकों से मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, डोंट मिस इट। चलिए आप भी बता दीजिए। इट्स अ फैमिली फिल्म और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके अच्छे से देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर आप सब लोग उस लड़की की जर्नी के साथ कनेक्ट कर पाओगे एंड कहीं ना कहीं मोटिवेट भी होगे, बिकॉज एवरी ईयर हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग मिसिंग होते हैं, हमने इसके बारे में आपने बताया भी है। हाँ, जैसे एक डेटा के हिसाब से जो हम लोगों ने दूसरी चीज़ों को भी लिंक किया है, जैसे रायट्स में तो लोगों का गदर में लोग मारे जाते हैं, इधर उधर होते हैं,
लेकिन कुछ डेटा हमारे पास ऐसा भी है 2019 से 21 तक 13 लाख बच्चे और महिलाएं हमारे देश में गुम हो चुके हैं, मतलब एक बड़ा रेशियो है। तो ये भी उस फिल्म में देखने को मिलेगा कि जो गुम होते हैं फिर किस तरह से उनकी जो लाइफ है इम्पैक्टफुल होती है और किस तरह से उस मैस से वो बाहर आते हैं। एंड फिर उसकी अपनी एक जर्नी भी, एक सक्सेसफुल जर्नी कि इतना उसके साथ हुआ, टॉर्चर हुआ, फुटपाथ पे रहना पड़ा, न जाने क्या क्या, उसके बाद उसकी एक इंस्पिरेशनल जर्नी भी है, सक्सेस जर्नी, तो वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। राइट प्राची, जैसे आपका रोल हमने जो डिज़ाइन किया, जिस तरह से आपकी एक 15 साल की वो जो जर्नी है, जो गैप है, एक छोटा बचपन है 5 साल की, फिर आप 20-25 साल की, तो ये बड़ा एक देखने वाला दर्शकों के लिए बहुत रोचक है। एग्जैक्टली, तो ये बात सिर्फ उन दंगों के आसपास की नहीं है बल्कि उससे जुड़े कितने दूसरे मुद्दे आपको दिखाई देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, एक फैमिली फिल्म है, एक खूबसूरत फिल्म है, एक इमोशनल जर्नी है। तो वीकेंड पे प्लान कीजिएगा, 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है द लॉस्ट गर्ल, सो दे माइट बी लॉस्ट बट हमने आपसे मिलवा दिया है, तो अब आप कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच इंडिया टुडे नाज़तक ग्रुप, थैंक यू।